ब्लू। इस फिल्म में एक विशाल स्टारकास्ट इकट्ठा की गई है, संजय दत्त, अक्षय कुमार, जायद खान, कटरीना कैफ और लारा दत्ता। इस फिल्म के काफी हिस्से अंडर वाटर गहरे समुन्द्र में फिल्माए गए हैं रियल शार्क्स के साथ। चलिए जायद खान से जानते हैं कि इस फिल्म में काम करने का अनुभव कैसा रहा। बॉलीवुड बिजनेस में आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सर, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू जायद। ब्लू, वेल जिसे देखो आज सभी की जुबान से एक यही नाम है और एक्सपेक्टेशन एक्चुअली ब्लू है, ब्लू। जिसे देखो यू नो इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपको क्या लगता है, आप नर्वस हैं, एंग्शियस हैं? जरूर एंग्शियस तो होंगे ही क्योंकि इतनी बड़ी पिक्चर है और कम से कम 1.5 साल लगा है पिक्चर बनाने में और इतना खर्च किया पिक्चर पे। क्योंकि जब एंथनी पहली बार आया मेरे घर और एंथनी बोला कि यू नो मुझे ये ऐसी एक पिक्चर बनानी है, तो मैं कभी कभी मैं जरा हंसा उस वक्त क्योंकि यू नो मुझे उस वक्त ही लगा कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव फिल्म है, कहीं है गोवा वो हमें ठोकने नहीं वाले हैं, यू नो क्योंकि आइडिया और एग्जीक्यूशन के बीच में बहुत फर्क होता है यहाँ पे, यू नो। तो आई डिडंट टेक हिम सीरियसली एट फर्स्ट, बट देन व्हेन ही डिड हिज होमवर्क एंड ही सेड टू मी दैट दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, और सब हॉलीवुड के लोग आए और वो सब अपना आर्ट वर्क दिखा दिए और सब कुछ जो भी हमने पानी में करना था वीडियोज दिखा दिए ऑलरेडी शॉट बिफोर, और मैंने सुना कि अष्टविनायक इज ऑल्सो बिहाइंड इट, दीज आर वेरी सीरियस पीपल एट द एंड ऑफ द डे। तो ऑफ कोर्स इट वाज बिकेम अ नो ब्रेनर डिसीजन। आई सेड यार दिस फिल्म लुक्स लाइक इट्स गोइंग टू मेक हिस्ट्री बिकॉज़ इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, यू नो दैट इन इटसेल्फ इज अ यूएसपी, यू नो बहुत बड़ी पिक्चर है और हम सबके लिए बहुत मायने रखती है पिक्चर। कई लोगों का मानना है कि इससे पहले ऐसी हिंदी फिल्म हमने पर्दे पर नहीं देखी है, सही? जी एब्सोल्युटली, आई थिंक यू आर राइट, क्योंकि ये पिक्चर जो है इट्स एक ऐतिहासिक milestone पर आएगा, it's going to take the Indian film industry way ahead of its time as far as action films are considered or as far as action films are thought of. You know, हम लोग पीट जो underwater director था और वो ऐसी pictures की हैं जैसे कि Into the Blue, Pirates of the Caribbean, काफी उसका CV तो देखने जाओ तो it's outstanding. तो बातों में वही हमें बोला कि यू नो हम सिखा तो पीट शूटिंग कैसे रहा, आपको क्या लगा है, यू नो ये हम सब कैप्चर कर पाए जो डायनामिक शॉट्स थे, तो सबके सामने बोला कि यू नो मैं ये हॉलीवुड में भी इतना शूट नहीं किया जितना मैं इस पिक्चर में शूट किया, और जो मटेरियल हमें मिला है मुझे लगता है इट्स वन ऑफ माई बेस्ट वर्क सो फार। और कभी कभी यू नो आदमी बोलने के लिए बोलता है लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली एंड लाइक इन गुड इंटेंशन ही सेड दैट दिस इज one of my best work so far and you'll see the product and you'll see ke he's not lying. Aur Anthony D'Souza ko aap kaise rate karenge, kaise, how is he as a storyteller? Anthony D'Souza is the coolest director I've ever known in my life. Pehle to jab sab log bol rahe the ki Tony kaun hai, koi Australian director hai kya hai, you know, but Anthony bahut hi meticulous hai. Anthony apna homework khoob karke aata hai set pe, to jaise ki jab wo aata hai set pe वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप ये गलत कर रहे हो वो गलत कर रहे हो, आपको ये सिचुएशन सिखाएगा कि देखो भाई ये करना है वो करना है, और क्योंकि वो टेक्निकली इतना साउंड है कभी कभी यू नो एक्टर को लगता है यू नो ही इज रॉबिंग माय मोमेंट, यू नो बट ही सो टेक्निकली साउंड, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स फ्रॉम एवरी शॉट एंड एवरी पीस, यू नो एंड ऑफ कोर्स अ मूवी इज व्हेन यू पुट ऑल दोस पीसेस टुगेदर। I would rate Anthony to be one of the best technical directors we have in town, and of course, as a storyteller, we'll see how Blue, you know, is taken up by people, because it's from my point of view, it doesn't. He's a great storyteller. I mean, for him to get Akshay, Sanju, Lara, Katrina, myself on board without even having, you know, like a credit line. Yes. Of films under his belt, I think that in itself talks a lot about the man. Right, but you know, ऐसी क्या बात थी कि आपने इस प्रोजेक्ट को हाँका जब आप एंथनी आपके पास आए थे? इनफैक्ट आपने भी कहा कि उनके पास कोई उन्होंने कोई फिल्म तो बनाई है नहीं जी। हम सब जानते हैं ये उनकी पहली फिल्म है, और जब वो आपके पास आए कहा कि वो एक ऐसी फिल्म बना रहे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन था? यू नो तरन एक चीज बताऊं आपको, मुझे लगता है आजकल जो यंग ब्लडेड लोग हैं उनमें बहुत दम होता है और उनका जो होमवर्क रहता है, उनका जो स्क्रिप्टिंग रहती है एकदम साफ सुथरा रहता है। यू आर सो क्लियर इन योर हेड, आई मीन दे आर सो क्लियर इन देयर हेड व्हाट दे वांट आउट ऑफ यू, के द एक्टर कांट हेल्प बट से मैन दिस इज लुकिंग रियली रियली गुड। अभी एक दिन एक वक्त ऐसे था जब लोग आते थे और स्टोरी नरेशन होती थी और आई विल गेट बैक टू यू टाइप्स एंड यू विल गेट बैक टू मी, टुडे
it's not like that anymore. What made me say yes to it was the fact that I saw exactly what he wanted to shoot before we were shooting it. The script was brilliant on paper. It had every high point that you wanted to see in a script, you know. And let's face it, at the end of the day, a lot of people attach their name to something like this. And I'm sure they've looked at all the pros and the cons of the situation before doing something like that. And Anthony came across to me as a very sincere person. He came across to me as a no BS person, you know, and he's maintained that throughout. Though it would have been unjust on my part if I had to say, let me think about it also. It was so clean, the work that the pre-preparation that they had come with before, you know, selling the idea to me or selling the character to me. It was outstanding. जो आपको उन्होंने सुनाया था जब पहली बार या दूसरी बार आपके साथ मुलाकात हुई थी और आपको कहानी सुनाई थी और कहा था कि इस तरह की फिल्म बनाएंगे, क्या वही पर्दे पे नजर आता है या पर्दे पे से बेहतर नजर आता है? नहीं, पर्दे पे आप मुझे लगभग 80-90% बेहतर होती है, क्योंकि जब हम डबिंग करते हैं तब इट्स मोनो साउंड, वेरी बैड प्रिंट ये वो, और खासकर ये जो पिक्चर है बैकग्राउंड पे इतना डिपेंड होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है, बैकग्राउंड, क्योंकि इट्स एक्शन ड्रामा, तो बिटवीन डबिंग एंड वॉचिंग द फिल्म ऑन एन एडिट टू व्हेन द फिल्म एक्चुअली कम्स ऑन स्क्रीन, देयर इज अ जंप ऑफ 70%. कभी कभी आपको लगेगा कि यार ये बहुत फीका सीन है, कुछ मतलब नहीं आ रहा है इसमें, और यू नो डायलॉग्स अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन जब बैकग्राउंड आता है, जब वो यू नो डिजिटल फॉर्मेट क्लीन, प्रिंट इज क्लीन, it just becomes a different film altogether. The experience becomes a different experience. Jaise ki aap, you can either see the Taj Mahal, you can experience the Taj Mahal, you know, and that's the very nature of this film. I mean, you can see a film, but you truly experience it when you go into the cinema. Okay, you know, इस फिल्म में कई नामी सितारे आपको स्टार जी, संजय दत्त, अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, लारा दत्ता. Now, आपका जो रोल है वो कितना इम्पोर्टेंट है? Well, you know, it's a good question. मेरा जो रोल है, इट्स बेसिकली द कैटलिस्ट ऑफ द फिल्म. मैं संजू का छोटा भाई खेलता हूँ, मेरा नाम है सैम पिक्चर में, और सैम बड़ा एक एजी कैरेक्टर है, और बहुत ही मतलब अपने भाई के साथ काफी यू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स है, और जहां भी जाता है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स उठ जाते हैं वहां पे. तो सैम एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपना प्रॉब्लम साथ ले आता है इन तीनों की दुनिया में, और क्या होता है उसके बाद. तो ही इज अ वेरी एजी, वेरी यंग स्पिटफायर काइंड ऑफ कैरेक्टर, यू नो. अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो संजय दत्त और अक्षय कुमार को आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है जी. नाउ आपको लगता है आप इनके सामने अपना मकाम, अपनी एक पोजीशन बना पाएंगे? तरन, मैं ऐसे कभी सोचता नहीं. अगर मैं ऐसे सोचता था तो मैं एक्टर कभी नहीं बनता, यू नो, बिकॉज आई फील a lot of people ask you know, are Sanju and Akshay in one frame, or do you get lost? I said, I would never. He said, if I start thinking like that, I should have been an actor in the first place, you know. No, I don't. In fact, I'm very happy being around, you know, other people, and I feel, you know, to a great extent, you know, if you're close to people and, you know, you have a good vibe happening, it tends to, you know, complement the frame when three people are there. But, you know, sometimes you can see that, you know, people might not be getting along. That also tends to complement the frame. It's a very, I mean, I guess, you know, if you're in awe of two people, and, you know, that will also show. I am in awe of Sanju sir, and I have great regard for Akshay. I think he's a thorough professional. But as far as getting lost is concerned, I don't think that my blood would allow me to think that way. Okay, Sanju ke saath pehle kaam kiya hai. Ji. Akshay ke saath pehli baar kaam kar rahe hain? Pehli baar kaam kar rahe hain. Aur kaisa anubhav raha? Akshay, I think zindagi ki sabse ahem ek cheez sikhayi mujhe ke professionalism kya hota hai aur kis tarah se apna kaam niptata hai. He's extremely meticulous guy. He's very on the dot. He's a no bullshit kind of guy. And contrary to what I don't know people say about him, he's a real fun guy to be a hang out with, you know. And he's very serious about his work, but he's a very, lot of fun guy to hang out with. I mean, there's another side to him that people probably don't know, and that he's a very big-hearted guy. And he's, you know, he's. I remember he's
you know, people say that, oh, Akshay, we might take the frame away from you and this and that. Yeah, scenes cutwa denge. You know, scene, but, you know, I think on the contrary, he's kind of sick of hearing that from people, because I've seen him, he's always been the kind of guy to say, no, why don't you go first and then I'll do it and stuff like that, you know. So I feel that he's a definite institution he's become. You know, he's really mastered the art of his work, his job, and you know, he's just very inspiring guy, and you know, he gets the energy of the setup, and because of his, you know, his prompt timing, and at the end of the day, I'll tell you something. I mean, I've seen Akshay Kumar's films ever since I was a young boy myself. And today when I'm working with him, I mean, I think he's gone leaps and bounds ahead. You know, his timing, comic timing has become so incredible, you know, and he's become very comfortable with himself, you know. And I found that to be very comforting while working with him. You know, they're those kind of actors that are just constantly in their zone, and you know, they're not talking to you and giving you looks and trying to get into character, and that kind of throws you off your seat, you know, sometimes. Yes. But, you know, I think in this film, it was a very cool, it was literally like Blue, you know, very, very clean, and everybody had a good time, everybody respected each other's space, you know, so it was, Akshay is an institution, he's definitely a guy to respect and look up to. Sanju ke saath, aapne Shaadi Number 1 mein kaam kiya. Sanju bhai, kya batao, Sanju bhai is the oldest teenager I know. I love this statement. Yeah, oldest teenager. Yeah, he's the funniest. You know, if you really spend time with Sanju, sir, you'll realize that he's got such an incredible sense of humor, and you know, he's always keeping things light, and you know, kind of, you know, and sometimes you won't even believe that somebody like Sanju sir is sharing a joke like that with you. You know? So, of course, I hold him in such high regard and such high esteem, because Sanju sir actually was the guy who told Ashton Vinayak to, you know, come and approach me. Right. And he called me up and he said, Zahid, I have to tell you something. I'm doing this film and the role inside is for you, man. You better make sure you know, Tony is coming, you read it properly. And so he's very concerned that way, you know. Right. And so it was great. Main aise jab bade bhai rehte hain film industry mein aur, you know, hum log baat karte hain aapas mein ki ye role acha nahi hai, ye role acha hai. कभी-कभी मैं बोलता हूँ सनी सर, यू मस्ट डू दिस, यू नो, दिस इज गुड रोल. सो आपस में हम हमेशा ऐसे बात करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, क्योंकि कभी-कभी यू नो, यू लूज द बेयरिंग ऑफ व्हाट्स अ गुड स्क्रिप्ट, व्हाट्स नॉट अ गुड स्क्रिप्ट, यू नो, विद द टाइम. समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, यू नो, एक बंदे की हिट आ जाती है तो वापस समझ में आता है कि कौन सी स्क्रिप्ट करनी चाहिए, कौन सी स्क्रिप्ट नहीं करनी चाहिए. तो आई थिंक देयर इज दिस लिटिल ब्रदरहुड इन द फिल्म इंडस्ट्री दैट वी ऑल हैव एंड वी ऑल शेयर. And we keep talking to each other from time to time. Lara and Katrina. Lara and Katrina ke saath aap pehli baar kaam kar rahe the. Lara is with Sanju. Katrina, of course, I know the story, but I don't want to reveal it. kaisa anubhav raha aapka kaam karne ka, Katrina aur Lara ke saath? Well, firstly, I'm so impressed with Lara. Lara, six months pehle usko sun nahi aati thi. Or very impressed with the way she's done. I think Lara is just a fantastic person to hang with, very chilled out. Or Katrina is, of course, she's becoming a very serious actress, you know, and she's I can see that, you know, Katrina takes everything very, like, you know professionally and thorough, and she wants to make sure everything is right. And you know, I'm so impressed with Katrina because, you know, she's come such a long way from, you know, not being able to speak the language, to mouthing the dialogues, to dubbing her own films, you know, and it takes a lot, you know. And yes. I mean, it takes a lot of guts and it takes a lot of inner battles to fight, to come out. And, you know, sometimes people still make fun of you, but you tend to be the bigger gentleman or the bigger lady, and you prove them wrong after a while that I can do this. And Katrina has come to that level in her life where she's acting brilliantly. She's a great supporting co-star, she's very professional. She just wants to do her work, and that's what her world is all about, you know. And she's very sweet at the end of the day. I mean, there was, you know, because I know Katrina and Salman bhai and stuff like that, so there was this very funny incident. And, you know, we have a different kind of tuning, you know. So there's a funny incident where,
you know, Katrina and me were supposed to hug, and you know, it's one of those romantic hugs and stuff like that. And I don't know, I felt a little awkward, you know, doing that, you know, considering like I've known her, you know. So she just looks at me, she's like, Zayed, why are you hugging me like I'm your sister? I was like, probably that's because you are, you know. You know, so yeah, she's sweet. She's very sweet. You know, this film, you have done your stunts swam. Ki hai. Ji. Yeah? Yeah, everything. Everything, right? Yeah. This is a very big risk. हाँ है तरन, लेकिन अगर आप देखो तो आज ऑडियंस के तौर से दे एक्सपेक्ट एवरीथिंग आउट ऑफ यू एंड टुडे द हीरो जो होता है जो हम कहते हैं इट्स ही इज ऑलमोस्ट हैज टू बी लाइक सुपरमैन वेदर ही इज अ गुड डांसर गुड फाइटर डज हिज ओन स्टंट्स क्योंकि देयर्स अ सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ यू डोंट वांट योर ऑडियंस टू लेट गो ऑफ एंड इफ यू डूइंग अ फिल्म लाइक ब्लू अगर आप सिर्फ क्लोजअप्स के लिए आ रहे हो मतलब बात ही खत्म हो गई वहां पे You know, I think the reason they even took me is because they know I'm an adrenaline junkie. They know I love doing these things. For me, I feel alive when I do it. Koi aage mujhe bole ki nahi karo. I feel they're taking my pleasure away from me. You know, they're taking my work away from me. I enjoy this. And kabhi-kabhi kya hota hai ki there was a stunt jahan mujhe ek taxi cab pe jump karna tha dusre maale se. To jo stuntman aaya tha, wo ek एशियन वाला स्टंट मैन है और उसका बॉडी लैंग्वेज मैच नहीं कर रहा था और जब वो किया मैंने एंथनी को जाके बोला ऐसे यार मैं बहुत खराब लगूंगा आई मीन दिस इज माय कमिटमेंट टू इट यू नो एट द एंड ऑफ द डे इफ आई एम मेकिंग अ विजुअल स्पेक्टेक्युलर देन लेट्स गो फॉर इट लेट्स नॉट इवन हैव दोस लिटिल इन बिटवीन पॉइंट्स यू नो और जेम आया मेरे पास और जेम्स जो हॉलीवुड डायरेक्टर बोला नहीं नहीं आप नहीं कर सकते हो कल हमारी शूटिंग है ये सब वो सब और वो लोग इतना मतलब चर्चा करते हैं छोटी छोटी बातों पर तो मैंने कहा कि देखो जेम्स मैं करता हूँ मैं बोल रहा हूँ मैं जब करूंगा ना तो अच्छा भी लगेगा ऐसे लगेगा कि मैं ही हूँ वरना अगर एक चाइनीज आदमी को करा तो उसका बॉडी लैंग्वेज ही गलत है तो मैंने किया सब लोग बोले अरे वाह तो अभी उनको क्या पता है कि हम लोग कब से करते आए हैं ये सब उनका जो एक स्टंट है वो लोग बहुत चौंक जाते कि यार एक्टर खुद किया ये वो यू नो बट ऑफकोर्स फॉर मी इट्स अ प्लेजर आई एम मेड लाइक दैट आई एम वेरी एथलेटिकली साउंड वेरी कोऑर्डिनेटेड पर्सन you know, I'm kinetic intelligence hai mere andar. Kinetic intelligence jo kehte hai. It's part of who I am. It's part of my image. It's part of what Zayed Khan brings to the table.